बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ग्रेड थ्री। आई होप यू पीपल आर फाइन। इट्स आर इंग्लिश क्लास गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड टुडे वी हैव टू रीड टू पेज ऑफ चैप्टर नंबर 7। दीज पेज आर पेज नंबर 26 एंड पेज नंबर 27। यू पीपल नीड टू गेट रेडी योर स्टूडेंट बुक पेज नंबर 26 एंड पेज नंबर 27। Let's see what's there on that or these page. But it was too late. लेकिन बहुत देर हो चुकी है। The policeman had spotted them. Policeman ने उनकी निशानदेही कर ली थी, उनको पहचान लिया था। He got his walkie-talkie out and said, उसने अपनी walkie-talkie को बाहर निकाला और कहा। Walkie-talkie होती है मोबाइल फोन की तरह होती है उसकी शेप, वो स्पेशली पुलिस और वगैरह के पास होती है। I think I have found the Norris children over. मेरा ख्याल है मैंने नॉरिस के बच्चों को ढूंढ लिया है। ओवर द बॉयज क्विकली रैन डाउन द एले। बॉयज जो है तंग गली की तरफ जल्दी से भागते हैं। व्हाई डिड यू डू डैट, तुमने ये क्यों किया है, आस्क जैसे जैसे ने कहा। द पुलिस कुड बी लुकिंग फॉर अस बिकॉज यू डिडंट पे फॉर योर ट्रेन टिकट। पुलिस जो है हमें ढूंढ रही है, हमें देख रही है या हमें तलाश कर रही है क्योंकि तुमने अपनी ट्रेन की टिकट नहीं खरीदी। क्विक लेट्स हाइड हियर, जल्दी से यहाँ छुप जाओ। द बॉयज रैन बिहाइंड अ पाइल ऑफ बॉक्सेस अंडर अ फायरस्केप। फायरस्केप के नीचे बॉक्सेस जो पड़े हुए हैं, बॉक्सेस का ढेर है, उसके पीछे दोनों लड़के छुप गए जल्दी से। द पुलिस रैन इनटू द एले। पुलिस उस तंग गली में भागती है। स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द बॉक्सेस एंड लुक्ड अराउंड, और उन बॉक्सेस के सामने रुक जाती है और इर्द गिर्द देखती है। ही वॉज लुकिंग स्ट्रेट एट द फाइल ऑफ बॉक्सेस व्हेन ही रिसीव्ड अ मैसेज ऑन द वॉकी टॉकी। वो बिल्कुल उन बॉक्सेस के ढेर के सामने देख रही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा देख रही होती है जब उसको एक मैसेज रिसीव होता है वॉकी टॉकी पे। ओके आई एम कमिंग ही सेड, ठीक है मैं आ रहा हूँ उसने कहा। जिसने कहा पुलिसमैन ने मैसेज जैसे ही अपने वॉकी टॉकी पे रिसीव किया उसने कहा आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ। जेसन वाज रिलीव्ड एंड विस्पर्ड, जेसन जो है वो सुकून में आ गया, मतलब रिलैक्स हो गया और उसने सरगोशी की। गुड हिज गोन, अच्छा वक्त चला गया। कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। बट जस्ट As they were about to get up, Jason suddenly felt a hand on his shoulder. लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां से खड़े होने का सोचा या खड़े हो रहे थे, Jason ने अचानक से अपने शोल्डर पे एक हाथ को महसूस किया। He was afraid to turn around. वो डर गया रुख चेंज करते हुए, but he knew he had to. लेकिन वो जानता था कि वो भी है। An angry-looking Chinese boy was standing right over him. एक नाराज चाइनीज बॉयज है उसके सामने खड़ा है, उनकी तरफ देख रहा है। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Said the boy. Boy ने कहा था, This is Chen Fai's territory. You know, ये Chen Fai का इलाका है, तुम जानते हो? Who's Chen Fai? कौन चेन पी, आज जैसे जैसे ने कहा। एज ही लुक्ड केयरफुली एट द बॉय ही थॉट ही लुक्स फेमिलियर। उसने वो जैसे ने उसे पूछा कौन चेन फ्राई, और उसकी तरफ बहुत एहतियात से देखते हुए, बहुत मोहताज अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए उसने सोचा कि ये वैसे ही दिखता है। चेन पी इज द किंग ऑफ द टाइगर्स, फाइटर ऑफ एवल एंड हीरो टू ऑल who live in this valley of darkness, said the boy. Chen Fei जो है वो तमाम टाइगर्स फाइटर का किंग है, बादशाह है, जो बुराई के हैं, बुराई के टाइगर फाइटर है उनका बादशाह है, और हीरो है जो इस डार्कनेस की वैली में रहते हैं उनका। लड़के ने कहा, जेसन थॉट, जैसे ने सोचा, ओ बॉय व्हाई डज ही थिंक ही इज, ओ बॉय क्यों ये सोच कौन ये सोच रहा है कि ये ऐसा है। बट निकलस डिडंट टेक इट लाइटली एंड आस्क, लेकिन निकलस ने इसको लाइटली नहीं लिया, रिलैक्स होके उसके बारे में नहीं उसको लिया।
रिलैक्स होके उसके बारे में नहीं सोचा या उसको लाइट नहीं दिया. वे इज द किंग ऑफ द टाइगर्स, कहाँ है टाइगर्स का किंग. देर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड देन द चाइनीज बॉयज पॉइंटेड हिज थंब अप एट हिमसेल्फ एंड सेड. बिल्कुल खामोशी का एक लम्हा था और फिर चाइनीज बॉयज ने अपने थंब से अपनी तरफ इशारा किया और कहा, यू आर लुकिंग एट हिम, तुम उसकी तरफ देख रहे हो. आई एम चेनफाई, मैं चेनफाई हूँ. यू कैन कॉल मी चेन, तुम मुझे चेन भी कह सकते हो. ओके, आई होप यू पीपल गॉट इट. सिट विद योर मामा एंड रीड इट थॉरली. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट. टेक केयर, हैव अ गुड डे. थैंक यू.